हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वाला हूं कि जिनको दबा के आप अपने पूरे लीवर को डिटॉक्स कर सकते हो, लीवर की साफ सफाई कर सकते हो और आप अपने शरीर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हो। और अगर आपके शरीर में अलग अलग बीमारी है तो इनका इलाज भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हमारा जो लीवर है वह हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। यह हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करता है, वहां पर जो भी कचरा होता है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फिल्टर करके हमारे शरीर से बाहर निकालता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसीलिए आपको समय समय पर लीवर की साफ सफाई करना जरूरी हो जाता है, वरना क्या होता है कि लंबे समय के बाद लीवर के अंदर इतने टॉक्सिन्स जमा हो जाते कि फिर लीवर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से अगर लीवर के अंदर हद से ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो इनकी वजह से वहां पर ब्लड स्टेग्नेंट होना शुरू हो जाता है और वहां पर फिर हीट और विंड, यह दो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होती है और फिर यह हीट और विंड ऊपर की डायरेक्शन में जाते और हमारे हेड में जमा होके हेड के संबंधी अलग अलग प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको इंसोम्निया की तकलीफ होती है, आपको नींद नहीं आती है, आपको वर्टिगो होता है यानी कि आपको चक्कर आते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको डिप्रेशन की तकलीफ होती है, आपको सीवियर सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, इनके अलावा आँखों के संबंधी अलग अलग बीमारी आना शुरू हो जाते हैं, आपके आँखों में रेडनेस आती है, वहाँ पर दर्द होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, आंखों में कई बार ट्विस्टिंग भी होता है। ऐसे अलग अलग हेड के संबंधी बीमारी होती है। इनके अलावा आपको गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता है, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपका नेचर इरिटेबल हो जाता है, आपको आपका स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है। इनके अलावा लेडीज में प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स यानी कि पीरियड से पहले उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, कई बार IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तकलीफ हो जाती है, यानी कि आपका बाउल इतना सेंसिटिव हो जाता है कि खाने में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपको डायरिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसी अलग अलग बीमारी तकलीफें अगर आपके शरीर में दिखना शुरू हो गई है यानी कि आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो यह जो पॉइंट आपको मैं सिखाने वाला हूँ उनको आप हर रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए दबाना शुरू कर दीजिएगा। आपको यह लीवर की सभी तकलीफें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, थोड़े ही दिनों में आपके शरीर में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर यह पॉइंट का नाम है LIV3 यानी कि लीवर का 3 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह लीवर का सोर्स पॉइंट है यानी कि यह पॉइंट को दबा के आप लीवर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकते हो, लीवर की एनर्जी कम या तो ज्यादा कर सकते हो। इसीलिए यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यह पॉइंट का लोकेशन जान लेते हैं। हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। यहाँ पर जो बिग टो है इनका मेटाटार्सल बोन यहाँ पर इस तरीके से होता है और जो सेकंड टो है इनका मेटाटार्सल बोन यहाँ पर इस तरीके से होता है। यह दोनों बोन ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। यह ट्रायंगल का जो टिप है इनके बीच में यहाँ पर हमारा यह पॉइंट मिलता है। या तो फिर आप यह दोनों टोस के बीच में इस तरीके से फिंगर को स्लाइड करते जाइए, जहां पर यह दोनों मेटाटार्सल बोन एक दूसरे के साथ आपको जुड़ते हुए मालूम पड़े, आपकी फिंगर आगे फिर ना जा पाए, वहां पर आपको रुक जाना है, वहां पर हमारा यह पॉइंट हमें मिल जाता है। यहां पर आपको खास ध्यान में रखना है, आपका पॉइंट 2 बोन के बीच में आपको मिलेगा, आपका पॉइंट बोन के ऊपर नहीं होना चाहिए, यह खास ध्यान में रखना है। तो यह पॉइंट को हमें 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से दबाव देना है। दोनों साइड पर हमें यह पॉइंट को दबाना है, दूसरी साइड भी जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा यह पॉइंट इस जगह पर मिलता है, बिग टो का मेटाटार्सल बोन और जो सेकंड टो है इनका मेटाटार्सल बोन इस तरीके से ऊपर जुड़ जाते हैं। इनके बीच में यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। यह ट्रायंगल का जो टिप है इनके बीच में यहाँ पर हमें यह पॉइंट मिलता है। दो टो के बीच में आप इस तरीके से फिंगर को स्लाइड करते जाइए, जहाँ पर आपकी फिंगर ऊपर ना जा पाए, जहाँ पर रुक जाए, जहाँ पर यह दो बोन आपको जुड़ते हुए मालूम पड़े वहाँ पर रुक जाना है, वहाँ पर हमें यह पॉइंट मिलता है।
आप यहां पर दबाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, तो यही हमारा सही पॉइंट हो जाता है। तो यहां पर हमने यह लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन आपको सिखा दिया और यह पॉइंट दबा के आप कौन कौन से फायदे ले सकते हो, कौन कौन सी तकलीफों में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, वह डिटेल में आपको सिखा दिया। तो यह पॉइंट को दोनों फुट में हर रोज 2 मिनट के लिए दबाना हाथ से शुरू कर दीजिए। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।